वाई वन प्लस वाई टू करना है ठीक है तो जाकर के सुपर पोजिशन इसी को कहते हैं हम लोग इसी को कहते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेब्स सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, जैसे कि मान लो एक वेव ऐसे है और एक दूसरा वेव है जो सेम टू सेम है एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन वो इस तरह से आ रहा है तो इसमें तुमको पता है कि जब दोनों मिलेगा ये माइनस ए है और ये क्या प्लस है तो दोनों मिल करके एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और ऐसा कुछ लाइन बन जाएगा स्ट्रेट लाइन ठीक है तो इसी को कहते हैं ऑफ वेव कब करेगा जब दोनों का फेज क्या रहेगा ऑपोजिट जैसे इसका फेज और इसका फेज क्या ऑपोजिट तो कैंसिल हो जाएगा अगर फेज ऑपोजिट नहीं है तो फिर हम देखेंगे क्या तरीका होता है तो अब इन दोनों इक्वेशन को कम्पेयर करो ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्मेट का है वाई इक्वल्स टू ए वन साइन ओमेगा टी और ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्मेट का है वाई टू इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ये दोनों में से तुमको दिख रहा होगा कि ओमेगा टी प्लस जीरो है और इसमें ओमेगा टी प्लस फाइव है दैट मीन्स कि दोनों के बीच का जो फेज एंगल है फेज एंगल का जो डिफरेंस है वो कितना है फाइव है फाइव फाइव तो फाइव यहाँ पे कितना है फाइव बाई टू दैट मीन्स कि अगर हम ए वन को इस तरफ बनाएंगे तो हमको ए टू को इधर बनाना पड़ेगा कितना फेज पे कितना एंगल डिफरेंस पे पाई बाई टू पे ए टू इधर बनाना पड़ेगा समझ गए तो नेट एम्पलीट्यूड अगर तुमको चाहिए होगा तो अब तुम देख सकते हो कि ए वन ए टू के बीच का एंगल फाइव है जो कि पाई बाई टू है दैट मींस कि नेट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए वेक्टर का रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे रूट अंडर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर जिसमें से ए वन का वैल्यू कितना था दस तो दस का स्क्वायर प्लस ए टू का बीस का स्क्वायर ठीक है वही अगर साठ डिग्री रहता तीस डिग्री रहता तब फिर हम नेट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला रिजल्टेंट वेक्टर वाला लगा देते ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस थीटा तब हम ये फॉर्मूला लगा देते बट यहाँ नाइनटी डिग्री है तो कॉस नाइनटी रखेंगे तो ऐसे भी ये टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है तो ये हो जाएगा सौ प्लस चार सौ पांच सौ पांच सौ का मतलब सौ का रूट हो गया दस और रूट पांच अंदर बचा रह जाएगा तो दस रूट पांच इसका फाइनल आंसर आएगा तो आई होप तुम समझ पाएगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग